हॉकी में भारत ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। टीम इंडिया ने एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को मात दी है। टीम इंडिया ने 1-0 से मुकाबला अपने नाम किया और टीम इंडिया ने एशिया की चैंपियंस ट्रॉफी 5वीं बार जीत ली है। टीम इंडिया ने इस मैच में एक ही गोल किया। टीम के लिए 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने गोल दागा और टीम को मैच जिताया। चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई। इस मैच की बात करें तो भारत की टीम को 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और चीन की टीम को 5, लेकिन दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। भारत के लिए एक गोल सही समय पर हुआ, जिससे टीम को जीत में मदद मिली। मैच के 56वें मिनट में चीन ने भारत की बढ़त को बराबर करने के लिए अपने गोलकीपर को हटाया, लेकिन ये पैंतरा भी चीन के लिए काम नहीं आया। जुगराज का गोल ही मैच का डिसाइडर साबित हुआ और भारतीय टीम चैंपियन बन गई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल को डिफेंड भी कर लिया है।